पूर्णिमा के महाअवसर पर पिपरगवां स्थित करौली शंकर महादेव धाम लवकुश आश्रम में हजारों की संख्या में दीक्षा लेने पहुंचे देश विदेश के भक्तगण। इस अवसर पर सभी भक्तों ने करौली शंकर महादेव गुरुजी संघ पंच महाभूति शुद्धि हवन किया। तदोपरांत सिद्ध कार्यक्रम के बाद हजारों भक्तों ने मंत्र की दीक्षा ली, जिसमें विदेशी शिष्यों ने भी भाग लिया। मालूम हो कि विदेशी भक्तों की दीक्षा के साथ करौली शंकर महादेव परम पूज्य गुरुदेव को प्रमाणित शक्ति मान चुके तकरीबन 2 दर्जन विदेशी भक्त गुरुजी व गुरु माता के दर्शन को करौली धाम लवकुश आश्रम पहुंचे थे। इन भक्तों ने पूर्व में मंत्र व तंत्र की शिक्षा व दीक्षा प्राप्त करने के बाद केवल मन की शांति हेतु भारत में करौली शंकर महादेव धाम लवकुश आश्रम आए थे और अन्य विदेशों से आए भक्तगण पंच महाभूत शुद्ध एवं सिद्ध व मंत्र की दीक्षा में शामिल हुए थे। गुरु दीक्षा के उपरांत सभी भक्तों ने गुरु उपदेश कार्यक्रम में भाग लिया। वही पूर्णिमा के अवसर पर करौली शंकर महादेव धाम में शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा के नेतृत्व में सदस्यता कैंप भी लगाया गया, जहां उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आए भक्तों को शंकर सेना का सक्रिय सदस्य बनाया गया। सदस्यता अभियान में शंकर सेना लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज इकाई सहित कानपुर इकाई ने सक्रिय भूमिका निभाई। आप अपनी स्मृतियों के आधार पर ही चुनाव करते हैं। ध्यान रखो, ये जो मंत्र दीक्षा आप ग्रहण करने जा रहे हो, ये अनायास नहीं है। इसके पीछे भी स्मृतियां पड़ी थी आपके पूर्व जन्मों की, जिसके आधार पे आपने चयन और आस्वादन के आधार पर चुनाव किया है कि बाबा से मंत्र दीक्षा लेके बाबा के शिष्य बनना। बिना स्मृतियों के कुछ भी नहीं, स्मृतियों के आधार पर ही हम चुनाव करते हैं। कोई भी चुनाव, अच्छा हो या बुरा हो, चुनाव हमारा स्मृतियों के आधार पर है, दूसरा कोई रास्ता नहीं।